स्कोप ऑफ सर्वेयर इंजीनियर। जैसा कि यूट्यूब पर एक बहन ने बहुत बार मैसेज किए हैं कि भाई एक वीडियो बनाएं स्कोप ऑफ सर्वेयर इंजीनियर के बारे में, तो आज हम स्कोप ऑफ सर्वेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर्वेयर इंजीनियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हर कंट्री में। जैसा कि इसके बहुत टाइप्स हैं, लैंड सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर, टोपोग्राफिकल सर्वेयर, थियोडोलाइटिकल सर्वेयर, बहुत किस्म है इसके। लेकिन आज हम जनरली स्कोप ऑफ सर्वेयर के बारे में बात करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। तो स्कोप ऑफ सर्वेयर पाकिस्तान के अंदर तो है सर्वेयर इंजीनियरिंग की, लेकिन बैरूनी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो दोस्तों, सर्वेयर इंजीनियर का काम ये होता है कि कहीं पर भी अगर कंस्ट्रक्शन होती हो रही है तो वहाँ पर डेटा कलेक्शन भी सर्वेयर इंजीनियर करता है, उस एरिया की लैंड मार्किंग भी वही सर्वेयर इंजीनियर करता है, उस लैंड के जो भी फीचर्स हैं उनके जायज़ा लेना भी उस सर्वेयर इंजीनियर का काम बनता है कि वो जो ज़मीन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी रोड की या किसी भी बिल्डिंग की, तो वो ज़मीन वज़न के काबिल है, वज़न उठा सकती है या नहीं। तो बड़े हाईवेज जो भी बनते हैं, अर्बन रोड्स बनते हैं या रूरल रोड बनते हैं, वहाँ पर सर्वेयर इंजीनियर का काम बनता है कि वो उस रोड के डेटा को कलेक्ट करता है, उस एरिया में रोड की मार्किंग करता है कि कौन से लोकेशन पर वो रोड सूट करता है, लोगों को इजी बनता है, और वो एरिया जो के गाड़ियों की आमदनी को बर्दाश्त कर ले। तो बहुत सारे सवालात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो सर्वेयर इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का काम करता है। तो हाई राइज बिल्डिंग्स में भी यही बनता है कि सर्वेयर इंजीनियर का काम यह है कि वो उस एरिया में उस ज़मीन को देखता है, उसका जायज़ा लेता है कि जिस पर हम हाई राइज बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं वो ज़मीन हाई राइज बिल्डिंग्स के वज़न को बर्दाश्त कर लेगा या नहीं करेगा। तो उसके बाद वो बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो ज़मीन वज़न बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है तो सिंपली वहाँ पे फिर पाइल फाउंडेशन करते हैं, मतलब कि डीप फाउंडेशन, जो कि उसकी बुनियाद जो है फाउंडेशन की वो तकरीबन 25 फीट से 60 फीट तक नीचे गहराई में जाती है, तो उसको हम पाइल फाउंडेशन कहते हैं। तो फिर वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स इजीली बना सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती, सिंपली एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं अगर वो ज़मीन वज़न को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ओके, तो सर्वेयर इंजीनियर का बहुत स्कोप है, क्योंकि सारे जो भी कंस्ट्रक्शन काम होते हैं वहाँ पर सर्वेयर इंजीनियर का ही जो है वो काम होता है। डेटा कलेक्ट करना, लैंड मार्किंग करना, उस ज़मीन का जायज़ा लेना कि वो वज़न को बर्दाश्त कर लेगा नहीं करेगा, उसके सारे फीचर्स, सारे जो भी काम हैं वो उस सर्वेयर इंजीनियर को मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। अगर वो एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज है, लार्ज साइज एरिया है, तो वहाँ पर थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए वो सर्वेयर इंजीनियर दूर से खड़े होकर ईच बाउंड्री की जो साइज है उसको इजीली मियर कर लेता है। तो दोस्तों, आज हमारा यही टॉपिक था कि सर्वेयर इंजीनियर का स्कोप है क्या। तो सिंपल में हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप से अलग अलग हर एक एक टाइप पर हम एक वीडियो बनाएंगे, जैसा कि लैंड सर्वेयर है, टोपोग्राफिकल सर्वेयर है, थियोडोलाइटिकल सर्वेयर है,
हर एक पर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और डीप में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वी विल सी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।